संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की छठवीं गाथा चल रही है, जिसमें कल अपन ने ये कहा था कि चारों प्रकार के व्यवहार नए के निषेध रूप जो शुद्धात्मा है निश्चय नए का विषय, वही ध्यान का ध्येय, परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञेय और दृष्टि का विषय है। ग्यारहवीं गाथा में उन चार नयों की विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तो एक कहा था कि दो नए तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए, क्योंकि ये संक्षिप्त कथन है, और फिर विस्तार कथन में आगे ले भी लिए। कौन थे दो नए? जो संयोग का कथन करते हैं, जो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के मिलाप की बात करते हैं, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात करते हैं, उनका निषेध होने के बाद इस गाथा में प्रमत्त और अप्रमत्त भावों का भी निषेध किया। पहले से छठवें गुण स्थान तक के भावों को प्रमत्त कहा और सातवें से चौदहवें गुण स्थान तक के भावों को अप्रमत्त कहा, और ऐसा भेद नहीं है कि अशुभ भावों को प्रमत्त कहा हो और शुभ भावों को अप्रमत्त कहा हो, बल्कि शुभाशुभ दोनों भावों के अभाव रूप वो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों हैं। इसमें नयों की अपेक्षा जो एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर द्रव्य गुण पर्याय के भीतर होते हैं उनकी चर्चा है। उपचरित सद्भूत व्यवहार नये से आत्मा को रागादिक का कर्ता भोक्ता और स्वामी कहा जाता है, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नये से निर्मल पर्यायों का कर्ता कहा जाता है, और अनंत गुणों के भेद की चर्चा भी होती है और असंग प्रदेशों के भेद की चर्चा भी होती है। तो समझ लीजिए कि इस गाथा में डेढ़ नयों का वर्णन है। डेढ़ नये कैसे हो गए? क्योंकि गुण भेद और प्रदेश भेद की निषेध की चर्चा सातवीं गाथा में करेंगे, और यहां निर्मल और अनिर्मल, क्योंकि चौदह गुण स्थान ले लिए ना, तो उसमें निर्मल परिणाम भी आ गए और विकारी परिणाम भी आ गए, तो इन दोनों का निषेध इसमें किया जा रहा है। विकारी परिणाम उपचय सद्भूत नये के विषय हैं, और अविकारी परिणाम अनुपचय सद्भूत नये के विषय हैं। एक तरह से दो का निषेध यहाँ किया जा रहा है, और उसमें जो बचेगा उसकी चर्चा सातवीं गाथा में करेंगे। देखिए, कहा था ना, पर का कर्ता तो आत्मा नहीं है, सामने वाले के जीव का घात हुआ, हमने गोली मारी और वो मरा, वो तो बहुत दूर की बात है। हम असावधानी पूर्वक चले और हमारे पैर के नीचे आकर कोई जीव जंतु मरा, क्योंकि हम जैनियों से तो इसकी ही कल्पना की जा सकती है। बंदूक की गोली से हम किसी को मारेंगे हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जीव मरा, तो मरण तो व्यवहार से है ना, बस देह और आत्मा के वियोग का नाम तो मरण है। निश्चय से तो आत्मा मरता ही नहीं है, जीव मरता ही नहीं है, जीव अमर है ना। तो वो जीव जो मरा है और वो व्यवहार से मरा है, वास्तव में तो मरा ही नहीं है, अमर है, और हमारे निमित्त से मरा है, तो निमित्त भी व्यवहार ही है, और व्यवहार तो असत्यार्थ है ही। क्यों? और हमारे में जो राग पैदा हुआ है, राग देश पैदा हुआ है उसके मारने का, क्यों? वो भी व्यवहार ही है, वो सद्भूत सही, क्यों? तो कल जो कहा था कि वो जो तेरे विकल्प के अनुसार परद्रव्य में कुछ नहीं होता है ना, इसलिए तेरा वो विकल्प निरर्थक है, लेकिन उससे तेरे को बंद होता है, इस दृष्टि से वो सार्थक है। क्यों?
जयसेनाचार्य ने ऐसे शिष्यों के लिए कि ऐसा वो व्यवहार ही है ना, व्यवहार ही है ना, वो जीव मरे वो भी व्यवहार है, हमने राग किया मारने का भाव किया वो भी व्यवहार है, और व्यवहार से वह सत्यार्थ है, उससे कुछ होता नहीं है, वो अकिंचित कर है, निमित्त अकिंचित कर है, नपुंसक है, जो भी आपको जितनी गालियां देना हो दो, क्यों। लेकिन जयसेनाचार्य ने एक बहुत मार्मिक बात कही उत्तम चंद जी, ये जो गुणस्थान जो है ना, ये व्यवहार से है ना आत्मा के, तो मार्गणा स्थान भी व्यवहार से है क्या। नहीं बोलो राजेंद्र जी, और मार्गणा स्थानों में गति मार्गणा पहली मार्गणा है, और उसमें नरक गति भी आती है, तो जो तुम उस राग आदि करोगे, मारने का भाव करोगे, उससे तुम जो नरक में जाओगे वो भी व्यवहार से ही जाओगे, निश्चय से थोड़ी जाओगे। और जब नरक में पहुंच जाओगे तब भी तुम नार की तो व्यवहार से ही हो ना, निश्चय से तो शुद्ध आत्मा हो। क्यों, तुम यहां मनुष्य व्यवहार से हो ना, निश्चय से तो शुद्ध आत्मा हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा नरक में भी व्यवहार से ही जाओगे, और डंडे भी वहां व्यवहार से ही पड़ेंगे ना, और वो भी व्यवहार में कई विषय बनेगा। निश्चय से तो आत्मा वहां शुद्ध बुद्ध है, और उन्होंने उस प्रतिकूलता को भोगा ही नहीं है, उनके तो ज्ञान का गेब भी है, सिर्फ जाना ही है। क्या समझ रहे ना, ऐसा जयसेनाचार्य का वाक्य, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, कि तुम ऐसा व्यवहार कह के उसकी उपेक्षा कर रहे हो, लेकिन उसका जो फल है नरक में जाओगे ये बात पक्की और नक्की है कि नहीं। राजा सैनिक पहले नरक में है ये बात पक्की और नक्की है कि नहीं, और पहले नरक की प्रतिकूलता उनको भोगनी पड़ रही है ये बात पक्की है और नक्की है कि नहीं। निश्चय व्यवहार बाद में लगा लेंगे। अरे निश्चय व्यवहार तो जो अपेक्षाएं लगती है ना मालूम उन्हें क्या क्या अपेक्षाएं होती है, समझे ना। आत्मा में ज्ञान दर्शन है ये भी व्यवहार है, तो ज्ञान दर्शन नहीं है क्या आत्मा में, वहां तो सिर्फ भेद से कहा उसको व्यवहार कहा। तो एक और मरम की बात बताऊं, अकेला व्यवहार नहीं कहा उसको मलिनता कहा, कहां कहा मलिनता कहा, अनेकाकार को मलिनता कहा, एकाकार माने निर्मलता और अनेकाकार माने मलिनता, मेच का मेचक तयो आता ना, आगे आगे कलश आएंगे ना, गाथाएं आएंगे ना, भगवान आत्मा मेचक है अमेचक है, ये मेचक अमेचक जानते क्या होता है। पांडे राजमल जी ने मेचक का अर्थ मलिन और अमेचक का अर्थ अमलिन किया है, और वास्तव में उसका विशुद्ध अर्थ मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार है। पंडित जी वो एक और अनेक वाले बोल है, ये होते ना बोल कौन कौन से, इस भेदा भेद है ना, नित्य अनित्य और एक अनेक, तो नित्य अनित्य काल की अपेक्षा है माने पर्याय की अपेक्षा, भेदा भेद प्रदेश की अपेक्षा है, समझे ना, और क्या बताया अनेकानेक ये भाव की अपेक्षा है। अनेकाकार माने मेचक, और उसको ही वो कहते हैं मलिन। बनारसी दास जी ने जो उसका अनुवाद किया ना मेचका मेच करते हो, वो मलिन शब्द से किया, क्योंकि उन्होंने वो राजमल जी के बिल्कुल अंधे भगत थे, वो राजमल जी के बारे में वो अपने सोचने का काम नहीं था क्या। एक दफे सोच के उन्होंने वृद्धि से निर्णय कर लिया कि ये आदमी बिल्कुल 100% सत्य है, बाकी तो सब उनकी बात बिना सोचे ही उन्होंने स्वीकार की। ये मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने गलत स्वीकार की है कि उन्होंने गलत लिखा है, मेरे कहने का मतलब इतनी अनुकूलता उनको थी। इसलिए बनारसी दास के नाटक समयकार सार को देखना हो तो कलश टीका के संदर्भ में देखना चाहिए। कई जगह मैंने अपने समय सार अनुशीलन में बार बार लिखा है ये कि ऐसा बनारसी दास ने क्यों लिखा, तो लिखा ये राजमल जी ने लिखा, बस भी क्या कर दे, बस पर्याप्त है इतना, राजमल जी ने लिखा तो उन्होंने लिखा, बस वो झूठा है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये वो जो मैं लिखने की प्रक्रिया है उसका वस्तु का स्वरूप बता रहा हूं। अभी यहां पर अपनी बात कहां आ गया अपन, अब
कि अपने उपचरित सद्भूत व्यवहार नए के विषय की जो चीजें हैं उनका कर्ता भोक्ता और स्वामी इस नए से जिनको कहा जाता है वो नए अभूतार्थ है, मैंने भगवान आत्मा में वो चीजें नहीं है। तागादिक का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, प्रमत अप्रमत पर्यायों का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, भोक्ता भगवान आत्मा नहीं है, ख्याल में है ना, ये यहां पर कह रहे हैं। इस गाथा का जो अपन ने अर्थ अभी तक किया है तो आपको पेज निकालो, 18 पेज है उसका, 18 पेज अपन ने पूरा पढ़ लिया है। नीचे के जो अपने गाथा आत्मख्याति का अर्थ है वो नहीं पढ़ा है, लेकिन चिंता नहीं करो, वो जो पूरा ऊपर उसका अर्थ है वो पूरा मैं व्याख्यान उस पर कर चुका हूं, ख्याल में है ना। अब जो दो पंक्तियां हैं सिर्फ आज के व्याख्यान का विषय वो है, 19 पेज के ऊपर जो संस्कृत की दो पंक्तियां हैं बस आज वो बात समझानी है, तो पढ़ते हैं उन्हें। ना च अस्य गे निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दाह्य निष्ठ दहनस्यैव अशुद्धत्वम् यतो हि तस्मा तस्यावस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः सा स्वरूप प्रकाशन दशायां प्रदीपस्यैव कर्तिकर्मणो अनन्यत्वात् ज्ञायक एव। इन दो पंक्तियों का अर्थ अपन को करना है, इसमें दो उदाहरण दिए हैं दो पंक्तियों में, देखो कोमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं, पूरा फुल स्टॉप तो दो के पाद में ही है, लेकिन दो उदाहरण आ गए बीच में, एक तो दीपक का और एक अग्नि का, ईंधन और अग्नि का। मैं पहले आपको जरा वैसे समझा देता हूं, फिर अपन इसका अर्थ करके भी इस पर भी बताएंगे क्या है, किस शब्द का क्या अर्थ है। कि ईंधन ने अग्नि ने ईंधन को जलाया, तो वो कहते हैं कि अग्नि ईंधन के आकार हुई कि नहीं हुई, क्या मतलब, कोयला है ना और उसे जलाए अग्नि, तो वो कोयला का जैसा आकार है लकड़ी का वो उस आकार होगी ना, अग्नि कंडा हो तो कंडे के आकार होगी, अग्नि का आकार स्वयं का कोई आकार नहीं है, वो तो जिस वस्तु को जलाए उसे ईंधन बोलते हैं, समझे ना, मान लोहे को जला एकदम लाल हो गया लोहा, तो वो अग्नि का जो पिंड है वो किस आकार में है, लोहे के आकार में है। तो कहते हैं कि यद्यपि वो अग्नि ईंधन के आकार हो गई है, उन्होंने अकलंक देव ने राजवार्तिक में तो ऐसा लिखा है कि घास जलती है, इस सूत्र नए से ये बात 100% झूठी है, क्यों कि जब वो घास है तब वो जलती नहीं है, और जब वो जलती है वो तब वो घास नहीं है, आग है, उसे आप क्या बोलते हैं, जो मतलब जलता हुआ कोयला है उसे आप कोयला बोलते हैं कि आग बोलते हैं, बोलो समझे ना, और जब वो जल नहीं रहा था तब कोयला, अब तो वो आग है, कोयला नहीं है वो आग है। तो दहती पलाला, तो पलाला माने घास और दहती, तो जब वो पलाल है वो समय अलग है और दहती शब्द अलग है, तो समय भेद पड़ गया और ऋषूत्र ने एक समय को पकड़ता है, इसलिए एक समय में दोनों बातें, घास नहीं जल सकती है आग ही जल सकती है, इसलिए हमेशा जलती तो आग ही है, ईंधन कभी जलता नहीं है। अब वो कहते हैं कि अग्नि की यह विशेषता है कि जिस ईंधन को वो जलाएगी, समझ लो भले ही वो आग है, लेकिन उसका आकार जैसा वो ईंधन का पहले था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो अब अग्नि हुई दाहक और वो ईंधन हुआ दाह्य, नाम हुए ना, दाहक माने जलाने वाली और दाही माने जलने वाली, तो कहते हैं कि दाहक दाह्य के आकार है, समझ गया, अग्नि ईंधन के आकार रूप परिणमित हुई है, ख्याल में आ गई। अब वो कहते अग्नि ईंधन के आकार रूप परिणमित हुई है, ये बात 100% सत्य है, लेकिन अग्नि के
ईंधन के आकार रूप से परिणमित होने पर ईंधन में जो अशुद्धि थी उस अशुद्धि ने अग्नि में प्रवेश नहीं किया। क्या पर 24 घंटा आपका काम है, यदि मेरी बात आप नहीं मानोगे तो आप घर में रोटी खाना चाय पीना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी करूं व्याख्या, ये जो आप गैस जलाते हो ना घर में, तो वो जो गैस की लौ जलती है वो गैस है कि आग है? आग है। तो गैस तो कैसे बनी है तुम्हें मालूम है? और अब तो ऐसे प्रोजेक्ट डल रहे हैं कि शहर में जितना भी मल पैदा होता है वो नालियों के जरिए शुद्ध मल को जंगल में एक ले जाएंगे, वहां बहुत बड़ा कुआं खोदेंगे और कुएं में उसकी गैस बनाएंगे और वहां से पाइपों से लगाकर वो आपकी रसोई में पहुंचा देंगे। गोबर गैस प्लांट थे, अब तो मनुष्य गैस प्लांट हो जाएंगे, मनुष्य के मल। खैर वो गोबर सही, वो भी तो कम से कम भिष्ट ही है ना, गाय की सही ना, क्यों तुम उसको भी कुछ भी नाम दे लो लेकिन वो है तो वही भिष्टा। आदमी की भिष्टा भाई या गाय की भिष्टा भाई क्या फर्क पड़ता भैया, भिष्टा तो भिष्टा है। अच्छा, और फिर भी उसको सड़ा के गला के उसमें अनंत जीव पैदा हो करेंगे, वे मरेंगे देखो, और वो कैसे पैदा होती है उसकी ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अभी यदि वो गैस पे तुमने रोटी सीखी है तो वो कितनी पवित्र है, लेकिन हमने गैस पे नहीं सेंकी, आग पे सेंकी। और गैस की अशुद्धि यदि आग में आ जाती तो बस समझ लो कल्याण हो जाता, बस खत्म। ये चद्रा वालों को तो बहुत ही मुश्किल हो जाती, क्यों राजेंद्र जी? आज के गैस पुराना गोबर है, गोबर को जला करके उस पर अपन बाटियां सेंकते थे कि नहीं सेंकते थे? तो वो बुजुर्ग लोग कहते थे कि वो बिल्कुल जल जाए और उसमें से धुआं नहीं निकले जतीश भाई, तब वो आग हो गई और उस पर बाटी सेंको तो कोई अपवित्र नहीं है, लेकिन उसमें गोबर का अंश रह गया क्यों है? तो अशुद्ध है। तो ईंधन में तो अशुद्धि है, मैं इतना कहना चाहता हूं, चाहे आज का ईंधन हो चाहे पुराने जमाने का ईंधन हो। अब ईंधन अपन का पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई, क्योंकि अपन तो गुरुदेव के भगत हो गए ना, पर्याय बदलने मैं भी यही कह रहा हूं, वो पर्याय बदल गई, उसी के आधार पर अपना सारा व्यवहार चल रहा है। यदि उसको उसी में माने तो अपन कोई चीज नहीं खा सकते। गेहूं है खेत में पैदा हुआ, वहां खाद काय का डाला गया, उसमें भी गोबर डाला गया था। मैं वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, तो वो गोबर भी मरे ही तो था क्यों, लेकिन अपन ने गेहूं में उसकी अवस्था बदल गई और वो परम पवित्र हो गया अपने लिए, अपने लिए, मुनि महाराजों के लिए, सबके लिए। मेरे कहने का मतलब पर्याय बदल जाने से आप समझ गए ना, तो दाह्य माने ईंधन, दाह्य निष्ठ, दहन माने अग्नि, देखो लिखा ना पड़ोसी, दाह्य निष्ठ दहन सैव न अशुद्धत्वम, कि दाह्य निष्ठ जो दहन माने अग्नि है, ईंधन रूप परिणमित जो अग्नि है उसमें ईंधन की अशुद्धि नहीं आती है। है किताब है हाथ में, काय के लिए ली है? मैं अपने विद्यार्थियों को थोड़ा छोड़ देता हूं और आप बड़े बड़े पंडितों से पूछता हूं, बोलो राजेंद्र, दोनों राजेंद्र, किताब क्यों नहीं लिया आपने? यहां किताबें नहीं मिल रही हो तो 25 रुपए में मिल रही है बड़े दादा की तरफ से, ले लेना। अपनी किताब लेके बैठना चाहिए, उसमें निशान लगाने की सुविधा रहती है। देखो बताओ, मैं कहता हूं ना कहां लिखा, मैं कह रहा हूं दग्नि के आकार, दाही के आकार दहन माने अग्नि परिणमित हुई तो अशुद्धत्वम लिखा है ना, कहां है? उनमें अशुद्धता नहीं होती है, कहां है? अर्थ निकाल लो, अपने मन से निकाल लो। मैं अभी अपनी एक आध विद्यार्थी से पूछ के बताऊंगा, फिर अभी नहीं करूंगा तुलना, चिंता मत करो। शुरू में है ना, ना ना देखो ना, शुरू में लिखा ना, ना ये ना यहां से लेना, क्या देखो क्या लिखा, दाय निष्ठ दहन से अशुद्धत्वम न, इतना यहां से लेना और इतना यहां से लेना, तो तुम जिंदी है ना,
क्या कह रहा समझ में ना। कहते हैं कि ईंधन में जो अशुद्धि है उससे जली हुई अग्नि, यद्यपि अग्नि के आकार ईंधन नहीं बदला, अग्नि ईंधन के आकार बदली है, अग्नि ने ईंधन के गले में बरमाला डाली है, फिर भी ईंधन की अशुद्धि अग्नि में नहीं आई। ये बात सबको मान्य है, सारी दुनिया को मान्य है व्यवहार में। तो वो कहते हैं कि इस ज्ञान ने गे को जाना। देखो पद को गे निष्ठत्व ज्ञायकत्वे, ज्ञायक गे निष्ठ है, उसकी निष्ठा गे के प्रति है। देखा गे को जानने वाला जो ज्ञायक है, यद्यपि वो गया का रूपण में थुगाया, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। जैसे वो कोयले की जो अग्नि है वो कोयले के आकार की होती है ना, तो जैसे मेरे ज्ञान के गे तुम बने संजीव, तो मेरी ज्ञान पर्याय में एक अलग संजीव खड़ा हो गया है, मेरी ज्ञान पर्याय में एक अलग संजीव बन गया है। और एक संजीव नाम का शब्द, तीन संजीव हो गए, क्रमल पर्याय में लिखे मैं तीन संजीव हो गए। और तुम संजीव अर्थ संजीव हो, और मेरे ज्ञान में जो संजीव बना वो ज्ञान संजीव है, और जो मैं मुंह से संजीव बोल रहा हूं वो शब्द संजीव है। तो मेरे ज्ञान का जो संजीव है और शब्द का संजीव है, तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे मैं कितनी भी गालियां दूं तुम नाराज नहीं हो सकते, तुमसे जुदा है ना बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे आकार का है, यानी मेरे ज्ञान के आकार रूप तुम नहीं हुए, तुम में नो चेंज। गे में ज्ञान के जानने से कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, लेकिन बल्कि ज्ञान अपनी पर्याय उसके आकार रूपण में होती है, ख्याल में आई नहीं, उसे बोलते हैं गे आकार। जो अपने गे आकार और ज्ञान आकार का झगड़ा है वो बिल्कुल नकली झगड़ा है, वो अपनी पूजन में आता है ना, ज्ञायक के आकार ममत्व निवारके, वो यही गाथा किसे लिया है, वो क्या है उसका अर्थ। कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञायक ज्ञाकार क्या होता है, उन समझ में नहीं आई तो उन्हें बदल दिया, ज्ञायक के आकार ममत्व ज्ञाकार के आकार कर दिया, छाप दिया। सुधारने वाले इतने होशियार होते हैं कि वे चाय जिसकी कृति में चाय जैसा सुधार कर सकते हैं। यहाँ किसी महानुभाव ने सुधार दिया मेरी किताब कृति में, तो मेरे पास है ना पंद्रहवीं गाथा सुधरी हुई है, किसी महापुरुष ने सुधार दी है, मैंने जो गलती की थी उसने सुधार दी है। भले आदमी को कम से कम मेरे को तो बताना चाहिए थी कि आपकी ये गलती है, इसमें ऐसा सुधार दो, क्यों। अब तो भाग्य से उसके हाथ में एक ही किताब थी तो उसने सुधार दी, यदि वो जाकर के हमारे ऑफिस में और हमारे कंप्यूटर में सुधार देता और मेरे मरने के बाद सुधार देगा तो मैं क्या करूंगा, सारे ना मेरे मरने के बाद मेरे ही नाम से चलेगा ना फिर जतीश भाई, क्या कह रहे हैं बोलो, हमारे हाथ में है क्या है? मरने के पहले कुछ कर भी लूं, मरने के बाद क्या करूंगा, समझे। तो अब क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान के गे क्या गे उसका पहले पूजा का वाली पंक्ति का अर्थ कर ले, ज्ञायक गेयकार ममत्व निवार के, ज्ञायक है यद्यपि वो गया का रूप परिणमित हुआ है, लेकिन गे के प्रति उसने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं किया। ये ममत्व निवार के का अर्थ है, यानी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं किया तो ज्ञायक परम पवित्र रहा। अब ज्ञाया का ज्ञानाकार और गेयाकार में क्या फर्क है वो भी समझ लो, तो एक ही है शैलेश भाई, एक ही चीज के दो नाम है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत सरल है, कोई इनाम भी दे देगा, कि पंडित हुकुमचंद में और डॉक्टर भारले में क्या फर्क है, क्यों। अरे एक ही व्यक्ति को दो नाम से कहते हैं, ऐसे एक ही व्यक्ति को दो नाम से कहते हैं और कुछ नहीं है, कैसे, कि वो जो गे जैसा आकार बना ना ज्ञान की पर्याय में, इसकी वजह से तो उस आकार को गे आकार गे का आकार कहते हैं इस अपेक्षा। और चूंकि उसमें कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा, समझे ना,
और इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। बात एक ही चीज है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मिट्टी का घोड़ा घोड़ा है कि मिट्टी है? संगमरमर के महावीर संगमरमर है कि महावीर? अरे तुम हाँ पत्थर मारोगे भगवान महावीर को, नरक निगोद जाओगे और ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये दंड मैंने अपनी 6 वर्ष की उम्र में भोगा था। क्या था कि मेरे गांव में 5-7 हजार जैनियों के थे और एक 80 वर्ष की बुढ़ी अम्मा थी जो हमारे मेरे पिताजी की भी चाची का वो जो भी ऐसी लगती थी, सबसे वृद्ध महिला थी। तो वो मंदिर में ऐसी चर्चा चलती थी, तो मैं 6 वर्ष का था। तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर में भगवान फलाने, तो मैंने कहा मंदिर में भगवान कहाँ है, मंदिर में तो मूर्ति है। ये उस वक्त मेरे मुंह से ये निकल गया, मंदिर में तो मूर्ति है भगवान की। तो उस अम्मा ने इतना हल्ला किया कि देखो जमाना कितना बिगड़ गया है, आज के ये बच्चे भगवान को पत्थर कहने लग गए हैं। इतना वो किया कि मैं भागा और मैं छिप गया। वो मैं 5 घंटा एक जगह छिपे रहा और सब मेरे घर वाले घूमते रहे। वो आंदोलन चल उठा था। अब आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलती की थी। आखिरकार मेरे में मिला जब, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, पिताजी ने समझाया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, अब ऐसा नहीं बोलते, अब ऐसा नहीं बोलते। लेकिन मेरी समझ में मैं चुप रह गया, मेरी समझ में नहीं आया सो नहीं आया कि है क्या भगवान, मेरी समझ में नहीं आया। जबरदस्ती लगा रहे लेना नहीं देना नहीं। तो क्या ज्ञाकार का समझ में आ गया कि उसमें कच्चा मटेरियल काय का लग रहा है, संगमरमर का कि भगवान का? ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत गुणों के अखंड पिंड जो भगवान हैं, उनका कच्चा मटेरियल लग रहा उसमें क्यों कि संगमरमर के परमाणुओं का लग रहा है? क्यों? तो ज्ञान का कच्चा मटेरियल लग रहा, इसलिए उसको ज्ञानाकार है। वो ज्ञान का है आकार, वो ज्ञान की संपत्ति है, वो मतलब आत्मा में, आत्मा की पर्याय में, आत्मा के प्रदेशों से आत्मा में बना है, इसलिए उसमें दूसरे का क्या लेना देना। वो तो निमित्त मात्र है सामने वाला, तो ये तो निमित्त मात्र है, क्या ख्याल में आई ना आपकी में? तो उसी को ज्ञानाकार कहते हैं, उसी को गेयाकार कहते हैं। अब चक्कर क्या होता है कि वो हमारे ज्ञान में गेय का आकार बना, जिस गेय का, तो हम क्या समझते हैं कि वो ज्ञान की, यानी अभी एक दिक्कत तो ये है कि हमने उसे आकार को गेय का कह दिया, एक गलती तो ये थी। अब दूसरी गलती क्या होती है कि वो हमारे ज्ञान में वो गेय का आकार बना तो हम गेय पे भी कब्जा करते हैं, देखो ये मेरा है। समझ, दो गलतियां होती हैं। कौन कौन, ख्याल में आई दूसरी गलती कि जो जो मेरे ज्ञान का बना वो गेय वो मेरा, उसमें हम एकत्व मत तो करते तो भोगते तो स्थापित करते हैं। तो ये अज्ञान है, बना तो वो गेय और निमित्त, गे रूप निमित्त, गे जो है वो निमित्त का भेद है, निमित्त है ज्ञान का, ख्याल में है ना? तो गे रूप निमित्त है वो, और हमने उसको अपना संपत्ति मान ली, अपने स्वामी बन बैठे उसका, उसके हम कर्ता भोक्ता बन बैठे, ये अपराध है। तो वो कहते हैं कि गे निष्ठ ज्ञान, अब निष्ठ का अर्थ है कि जिसने उस गे को जाना है, ऐसा ज्ञान वो गे के आकार रूप परिणमित हुआ, इतना तो हुआ। जैसे कि वो अग्नि ईंधन के, ईंधन अग्नि, अग्नि ईंधन के रूप आकार परिणमित हुई, लेकिन ईंधन में जो अशुद्धि थी वो अग्नि में नहीं आई, ऐसी गे में जो अशुद्धता है वो अग्नि में नहीं, अज्ञायक में नहीं आती। देखो पढ़ो, देखो अब मैं पढ़ता हूं, दाह्य निष्ठ दहन से न अशुद्धत्वम। जिस प्रकार दाह्य निष्ठ दहन में अशुद्धता नहीं है, उसी प्रकार गे निष्ठ ज्ञायकत्व में अशुद्धता नहीं है, ये बात प्रसिद्ध है। ये अर्थ है इस पंक्ति का। पंक्ति से लग गया कि नहीं लग गया? अब नीचे पढ़ लेना, इसमें पढ़ लेना, सब जगह पढ़ लेना, वो अर्थ है इसका, कोई कठिन नहीं रहा। तो एक उदाहरण तो ये है कि ज्ञान कितने ही गेयों को जाने,
और यदि गेयों के अशुद्धता आने लग जाए तो फिर अग्नि को जानते ही हमारा आंखें जल जाएंगी, बर्फ को जानते ही हमारे आंखें ठंडक आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर गेय के जानने से ज्ञान में तकलीफ होने लगी तो हम जानेंगे क्यों, फिर हम आग को जानेंगे नहीं। जैसे हम समझते हैं हम आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, तो आग को नहीं छूते, समझ गए ना। तो कहते हैं कि गेयों में कितनी अशुद्धि है उससे ज्ञान को क्या, हमने मलमूत्र को जाना तो हमारा ज्ञान गंदा हो जाएगा, हमें नहाना पड़ेगा। हम रास्ते में जा रहे और मलमूत्र पर पैर पड़ जाए तो हमें नहाना पड़ेगा, लेकिन हमारे ज्ञान में आ जाए, दिखने में आ जाए वो, तो फिर हम नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे बोले। इसका मतलब है कि गेयों को जानने से ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती है, एकदम स्पष्ट बात हो गई कि नहीं होगी। और आने लग जाए तो क्या हो जाए फिर, यानी कहने का मतलब है कि जो पर को जानने की हमको तकलीफ है, जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है वो यही तो तकलीफ है, इनकी वजह से तो हम पर को जानना नहीं चाहते क्यों। तो आपको वो मलमूत्र जो देखकर ऐसा भाव आता है नहीं देखना मुझे, मुंह फेर लेते हो, तो वो क्या है, क्योंकि हमसे मलमूत्र नहीं देखा जाता। हम क्यों, क्योंकि हम बहुत परम पदार्थ हैं क्यों। अरे तुम महा अपवित्र पदार्थ हो इसलिए तुमसे घबराना नहीं, क्यों परंपरा, क्योंकि उसका नाम जुगुप्सा नाम की कसाय है। तुम देखिए सोचना बहुत गंभीरता से, क्यों क्या कह रहे हो, जो तो वो जुगुप्सा है कि नहीं है, उसका नाम क्या है, जुगुप्सा नाम की कसाय है वो, तो पाप हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा मुंह फेरना, तुम अपने को धर्मात्मा समझते हो और उनको जो देखते रह गए उनको तो महापापी समझते हो क्यों। हम तो देखा ही नहीं जाता, हम तो मुंह फेर लेते हैं। वो जुगुप्सा नाम की कसाय है, और अपने लगा है प्रसाद सिद्धि उपाय में निर्विचिकित्सा अंग क्या लिखा है, और जगह तो ये लिखा है मुनि तन मलिन न देख घिनावे, है ना मुनि के मतन को, क्या कह रहे मुनि, उनमें तो लिखा है द्रिवेशु पुरी साधिसु, क्या पुरीस माने जानते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल जो अपना मल निकलता है ना लेटरिन जिसे बोलते हैं, क्या वो नाम दो तुम समझ लो, उसका नाम पुरीस है। पुरुषों के माने मनुष्यों के मल को पुरीस कहते हैं, जैसे गाय के मल को गोबर कहते हैं, समझे ना आप, क्यों बकरी के मल को लेंड़ी कहते हैं, हाथी के मल को लेंड़ा कहते हैं, अलग अलग मलों के भी अलग अलग नाम है, कबूतर के मल को बीट कहते हैं, काक बीट सम लिखा ना, तो उसमें लिखा है द्रिवेशु मुरी पुरी साधिसु विचिकित्सा नैव कर्तव्यम्, गिलानी नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा, भूल गया कि कुछ है याद, बोल क्या लिखा, कि जड़ हीरा देखोगे तो चेतन हीरा को भूल जाओगे। ऊपर की पंक्ति में लिखा है कि मोह राग द्वेष के परिणाम, क्यों पंडित जी, और मोह राग द्वेष के परिणामों को देखकर तेरे को गिलानी हो तो निर्विचिकित्सा अंग नहीं है, वो आत्मा के मल है ना, ये देह के मल है, तो तुझे मल को देख के गिलानी हुई, तेरा राग भी ज्ञान का गेय बने तो गिलानी नहीं होना चाहिए, पुरी साधिक द्रव्य भी ज्ञान के गेय बने तो गिलानी नहीं होना चाहिए, पुरुषा सिद्धि उपाय में निर्विचिकित्सा अंग में लिखा है। तो हमें गुस्सा आया और तुमने देखा और तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम निर्विध चिकित्सा अंग के धारी नहीं हो, तुम जी ने कहा था तुम तो ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, क्यों सबको देख लो कि जगत का ऐसा ही स्वरूप है क्या। अपने यहां जो बहुत सुंदर वस्तु व्यवस्था है निमित्त उपादान की, उत्तम चंद जी को है ना कि तत्समय की योग्यता और अनंतर पूर्णवर्ती पर्यायों का क्रम, त्रिकाली उपादान, तीन तरह का उपादान है ना, और दो तरह के निमित्त हैं, निमित्तों को अभी छोड़ दो। तो जब कोई कार्य होना है
तो उसका काल का नियामक कौन है? तत्समय की योग्यता, ठीक है, कि जिस समय एक कार्य होगा। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिले रूप जो क्षणिक उपादान है वो क्या है, वो किस विधि से होगा, वो प्रक्रिया है। क्या मतलब कि जब भगवान आत्मा अनुभव में जाएगा, ज्ञान का गेय बनेगा, तो उसके पहले कौन भाव होगा, ये नक्की है। ऐसा नहीं चलेगा एकदम गुस्सा और नरक में जाने लायक भाव हो रहा है, दूसरों को हत्या करने का भाव हो रहा है, और अगले समय में जाके तू आत्मा में चला जाएगा, बेटा इस धोखे में मत रहना, है ना। और वो ऐसा असंख्य समयों का है, क्योंकि करण लब्धि में धन कुमार जी असंख्य समय होते हैं, तो एक एक समय अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, अधा प्रवृत्ति करण, तो इसके पहले कौन सा होगा, किसका अभाव करके ये होगा, फिर किसका अभाव करके ये होगा, फिर किसका अभाव करके ये होगा, तो प्रायोग लब्धि के अंतिम समय का अभाव करके कैन लब्धि में जाएगा। अब कैन लब्धि का तो पक्का है ही है, और उसके पहले भी वहां से ले तुम फिर सम लब्धि और विशुद्धि लब्धि से उद्देशना से, तो आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया का अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक सुनिश्चित क्रम है, और उसमें से हरेक को पार होना होगा। होना होगा क्या, होगा, होएगा ही, कोई उपाय नहीं है, स्वरूप ही वस्तु का ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो पर्यायों का क्रम का है उसको क्या बोलते हैं, विधि का नियामक। वो तत्समय की योग्यता काय का नियामक है, विधि का काल का नियामक, ये जो अनंतपुर समृति वाला जो क्षण उपादान है वो काय का नियामक है, विधि का नियामक, प्रक्रिया, इसका नाम पुरुषार्थ है, उसका नाम काल है, और इसका नाम पुरुषार्थ है, जो पांच संवाद है ना, पुरुषार्थ नाम का संवाद ये है। और त्रिकाली उपादान वो काय का नियामक है, स्वभाव का नियामक, क्या आत्मा को ही संवादन होगा, पुद्गल को नहीं होगा, मतलब जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है उसमें से वही पर्याय आएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो तीन चीजें हो गई कि इस द्रव्य में से ही ये पर्याय आएगी, और इस विधि से ही आएगी, और इस समय ही आएगी। ये तीनों बातें बिल्कुल नक्की और पक्की हैं, इसमें बिल्कुल भी शंका की गुंजाइश नहीं है। और मेरे को तो 56 से आज तक 51 बरस में स्वप्ने में भी एक समय को इसमें शंका नहीं हुई, ये सुनिश्चित कर्म है। अब इसका दूसरा रिजल्ट के जैसे कि जो करण लब्धि के पहले समय में प्रवेश कर गया उत्तम चंद जी, तो वो अब गारंटी से सम्मान लेके उठेगा ना, ये अपने शास्त्र में है ना, चार लब्धि तो हो गए, कई दफे छूट गई, लेकिन ये पांचवी लब्धि में प्रवेश करेगा तो होगा। तो मतलब असंख्य समय पहले का से ये नक्की है कि इसके बाद इसका अभाव करके, इसका अभाव करके, इसका अभाव करके, इसका अभाव करके, इसका अभाव, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ना। तो हम ये करण लब्धि के पहले समय में उसने प्रवेश किया, इससे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, क्या भी संबंध इसी गारंटी से होगा अंतर मुहूर्त में, और वो अनुमान अंदाज होगा कि प्रमाण होगा, अन्यथा अनुत्पत्ति के आधार पर, ख्याल में आ गई ना आपकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे सम्मा दर्शन का है ना, ऐसे ही प्रत्येक कार्य का है कि उसकी पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय, तो अपन ने सम्मा दर्शन को पर्टिकुलर पर्याय पकड़ी। तो मान लो अपन कहीं पहुंचने वाले हैं, उस पर्याय पे हम पहुंचने वाले हैं, तो पर्याय पे हम अचानक नहीं पहुंच जाएंगे प्रकाश, उसके पहले कौन सी पर्याय आएगी, फिर उसका अभाव करेगा, उसके पहले कौन सी आएगी। तो बहुत बारीकी से कोई अच्छा जानने वाला हो, निमित्त निमित्त ज्ञानी, मति ज्ञानी ही, केवल ज्ञानी नहीं, तो वो ये जान सकता है कि इस बाण की दिशा किस तरफ है, और इस बाण को छोड़ रहे हैं ना, तो यहां तक छोड़ दो, और जब ऐसा छोड़ के और हाथ से वो निकला बाण, अब निकलने के बाद उस समय से लेके जो उसकी पर्याय है, वो एक समय बाद वो कहां होगा, एक समय बाद कहां होगा, एक समय बाद कहां होगा, एक समय बाद कहां होगा, और वो अंत समय में जाके किसकी छाती में चुभेगा, क्यों, ये बिल्कुल नक्की है। वहां के बाद आप कह दो हम ऐसा कर दें, टेढ़ा कर दें, कुछ कर दें,
लेकिन वास्तव में तो वहां भी तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां के बाद तो नहीं कर सकते ना। तो हमें ज्ञान से कि किस दिशा में तीर जा रहा है उससे भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान कर सकते हैं, जहां ज्ञान की अपेक्षा से। ये ज्ञाप हेतु बोलते हैं इसे, कारक हेतु नहीं, इससे वो होगा नहीं, होगा तो उससे तत्समय की योग्यता से, ख्याल में आए ना। लेकिन हम वो ज्ञापक हेतु है, कि राजा सैनिक के जो परिणाम हुए चेलना के साथ करने के, तो वो वहां से अनंतर पूर्व स्वर्गवर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला था वो पहले नरक में पहुंचने का, जो अपन ने कल बोला था ना नैगमने से, कि नैगमने से उसको अभी भी नारकी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गारंटी नहीं, उसका उन पर्यायों का जो सिलसिला कैसा चल रहा है। खासकर बुजुर्ग लोगों से पृथ्वीचंद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जहां पहुंचना है जिस भव में, वो ऐसे अचानक नहीं पहुंच जाओगे, उसके लक्षण आपके इस पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। और सूक्ष्म दृष्टि से पहचानो तो हम पहचान सकते हैं, दूसरे नहीं पहचान सकते, हम स्वयं तो पहचान सकते हैं कि हमारी पर्यायों के सिलसिले का जो तीर का मुख है वो किस तरफ है। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था जैन दर्शन की है। अब ज्ञेयनिष्ठ और ज्ञाननिष्ठ की बात चल रही थी, दो पंक्तियां मुझे पूरी करनी है, अभी समय है, अभी कितने हुए 40 मिनट हुए हैं। एक तो कौन सा हुआ, दाह्य निष्ठ दहन, समझे ना, जैसे ईंधन के आकार अग्नि परिणमित होती है पर ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती। बहुत एक भजन में बहुत अच्छा उतारा एक कवि ने, उससे मालूम पड़ता कि हमारे पुराने जो अध्यात्म के कवि थे वो कितने गहरी गहराई से छठवीं गाथा को समझते थे। वो पंक्तियां मैं बोलता हूं, दहन दहत पर गगन न दगते, गगन दहन ताकी विधियानी, बस क्या विचारत ऐसे ज्ञानी है ना, क्या है वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे, आता क्या नहीं आता, आत्म रूप अनूप में अद्भुत, आता क्या नहीं आता। जो भी पंक्ति आती है वो भाव समझ, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कि दहन दहत, दहन माने अग्नि, दहत माने जलाती है, अग्नि जलाती है, गगन न तदगत, और वहीं पर आकाश है, तदगत माने अग्नि जहां है ना उसी प्रदेशों में आकाश है, लेकिन आकाश नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है, जलना चाहिए ना, अग्नि का काम जलाना है तो वो जलाएगी, तो आकाश को भी जलना चाहिए, क्योंकि गगन दहनता की विधि हानि, क्योंकि आकाश में जलने का स्वभाव नहीं है, माने जिसमें जलने का स्वभाव है वही जलेगा। उस आकाश के प्रदेश में अग्नि है और वहां लकड़ी होती सूखी तो वो गारंटी से जलती, क्योंकि उसमें जलने का स्वभाव है। तो क्या कहना चाहते हैं कि अग्नि से कोई नहीं जलता, जिसमें जलने का स्वभाव होता है उससे जलता है, और अग्नि से सब जलते होते तो क्या होता, रेल का इंजन ही नहीं बन पाता। वो इंजन के अंदर जो बनाया है ना, और वहां अग्नि जलाते हैं तो वो सब पिघल जाता, लेकिन वो ऐसी चीज लगाई है ना जो अग्नि से जलती नहीं है। अब ब्रक अरे कोई है, राख, राख तुम्हारी घर में राख है ना, वो उसका स्वभाव अग्नि से नहीं जलने का है, क्योंकि आपने उसमें कोयले में आग लगाई, कंडे में आग लगाई, तो जितने परमाणुओं का जलने का स्वभाव था भी जल गए, और बाकी के परमाणु राख के रूप में पड़े रहे। आप तो कितनी आग लगाओ, तुम लगा लो उसमें आग, नहीं लगेगी आग, क्यों। अब अपने हाथ पे रख लो तुम राख इतनी मोटी जरा, और ऊपर आग रख लो, कुछ नहीं होगा, क्यों, राख में, वो राख में जलने का स्वभाव नहीं है, समझ। माने मैंने कोई अच्छा काम किया तो कुछ लोगों को जलन पैदा होती है, सबको क्यों नहीं होती है, जिनका जलने का स्वभाव है उनको होती है, जिनको नहीं है। गगन दहनता की विधि हानि, क्या
दहन दहत पर गगन न तदगत गगन दहनता की विधि हानि। और ऊपर की पंक्ति बहुत मार्मिक है, अभी याद नहीं आ रही, एक सेकंड में बताता हूं। चांदनी चांदनी है ना, भूमि न होते चांदनी की ज्यो त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। के चंद्रमा की किरणें जहां पड़ जाए तो वो जमीन चंद्रमा की हो जाती है, चंद्रमा ने जमीन को प्रकाशित किया है ना, तो जमीन चंद्रमा की नहीं होती है। तो जिस ज्ञान ने जिस गे को प्रकाशित किया वो गे उस ज्ञान का कैसे हो जाएगा, हमने तुमने जाना तो हमारा हो गया बस खत्म। हम लोग तो ऐसे ही है ना, वहां जाते हैं तो रेल के डिब्बे में बैठते हैं और फिर पेशाब करने जाते हैं तो अपना रूमाल रख देते हैं, क्यों कोई टोपी रख देते हैं हाँ सीट पे, फिर पेशाब को जाते, दूसरा आकर के बैठ जाता है, रिजर्वेशन तो है नहीं। तो वो कहते भाई साहब ये सीट मेरी है, कैसे तेरी है, तेरी है कैसे, तूने भी टिकट लिया है, मैंने भी टिकट लिया है, मेरा रूमाल रखा था, तो तू रूमाल जाकर के दिल्ली के सिंहासन पे रख दे। तुम्हें रिजर्वेशन बता क्यों, तो मैं तेरे मानूंगा ऐसा नहीं मानूंगा, तो राजा के सिंहासन में मक्खी बैठ जाएगी तो मक्खी राजा नहीं हो जाएगी है? तो भूमि न हो तो चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। उसी प्रकार गे को जानने वाला ज्ञानी उस गे का मालिक नहीं हो जाता है। फिर उस दूसरी पंक्ति यह है कि दहन दहत पद गगन न तदगत गगन दहनता की विधि हानि। दौलत राम जी का भजन है शायद, किनका है, हरचंद जी का होगा, दौलत राम जी होगा, सब एक से एक हीरा थे। यानी मुझको तो ये आता है कि छठवीं गाथा को कितनी गहराई से उन्होंने समझा था है ना। चिंतत ऐसे आत्म रूप अनुपम हाँ वो मेरा पंक्ति है, मेरे को तो इस गाथा से संबंधित था वो पंक्तियां। मैंने एक भी भजन याद नहीं किया है, लेकिन उनको बहुत गहराई से मैंने उनका अर्थ समझा है, उसमें जितनी याद हो जाती हैं रह जाती हैं, उतनी नहीं रहती हैं, नहीं रहती हैं, ख्याल में आई ना पंक्तियां, लेकिन वो भाव मेरे को जिंदगी भर ख्याल में रहता है। तो ये कह रहे हैं गे निष्ठत्व, देखो लिखा ना, अब पढ़ो ये पंक्ति, नच अस गे निष्ठत्व ज्ञायकत्व प्रसिद्ध दाय निष्ठ दहन से अशुद्धत्म। इतना अर्थ तो बहुत क्लियर हो गया ना, अब आगे यतो हि तस्याम अवस्थायाम ज्ञायत्वेन ज्ञातां स स्वरूप प्रकाशन अवस्थायाम प्रदीपस्यैव कर्ति कर्मण्यो अनन्यत्वात् ज्ञायके। अब इसमें क्या है देखो चक्कर, किसी ने प्रश्न किया कि तुम चाहे जो कुछ कहो लेकिन आत्मा का नाम जो ज्ञायक पड़ा वो तो गेहों को जानने की वजह से ही पड़ा है, क्या नहीं आया समझ। एक सच्ची घटना, एक पंडित बनारसी दास जी थे, जी अपने बनारसी दास जी नहीं जैनियों के एक लेखक हुए हिंदी साहित्य के, बनारसी दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, और वे उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। तो बहस उनकी हुई, अंत में वो इलाहाबाद वाले ने कहा, बनारसी दास था ना, बनारसी दास नाम तो था, बनारसी दास था इलाहाबाद का, तो बनारस का पंडित था, उसने कहा तुम चाहे जो कुछ कहो लेकिन तुम्हारा बाप बनारस को अच्छा मानता था इलाहाबाद से, क्योंकि उनने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा। तो मैंने पढ़ा है साहित्य में क्या। बिल्कुल ऐसा ही है प्रश्न कि तुम बहुत बातें कहो कि ग्याय गे का नहीं हो गया, गे की तशुद्धता नहीं आई, वो जे नहीं हुआ और वो नहीं हुआ,
आखिर तुम आत्मा को ज्ञायक 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 कहते हो, तुम जानते हो? एक ज्ञायक नाम तो ज्ञेयों को जानने की वजह से आत्मा का पड़ा है। क्यों? प्रवचन है प्रवचन है, लेकिन तुम पंडित जी तो प्रवचन के करने के कारण ही कहलाते हो, इसको क्यों भूल जाते हो? तो तुम पंडित जी कहलाना तो अच्छा लगता है और प्रवचन बुरा लगता है। तो ये उत्तर है कि ये बात सच्ची है कि आत्मा गेयों को परगेयों को जानता है, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है कि आत्मा का नाम सिर्फ परगेयों को जानने की वजह से ज्ञायक पड़ा है, क्योंकि वो स्वयं को भी तो जानता है। तो हम कहते हैं स्वयं गे और स्वयं ज्ञायक, तो वो स्वयं का ज्ञायक है इसलिए ज्ञायक नाम पड़ा। प्रदीपस्य दीपक की भांति, कि दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, इसलिए नाम उसका पड़ा दीपक, माने प्रकाशित करने वाला, ख्याल में आई ना? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो खुद को भी तो प्रकाशित करता है। राजभारत में लिखा ना, दीपस मृग्यार्थम दीपांतरम अपेक्षते, दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। घर में कोई चीज रखी हो तो उसको खरीदने के लिए तो ढूंढने के लिए तो दीपक की जरूरत है, फिर दीपक को ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, उसी दीपक से काम हो जाता है। तो ऐसे दीपक स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, ऐसे भगवान आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो इसका ज्ञायक नाम पर को जानने से पड़ा ऐसा क्यों कहते हो? इसका ज्ञायक नाम स्वयं को जानने के कारण भी पड़ा हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान आत्मा के ज्ञायक शब्द में इतनी भी पराधीनता नहीं है। इतनी कितनी सी पराधीनता कि दूसरों को जानने के नाम उसका ज्ञायक पड़ा हो। वो गेयों का कोई असर ज्ञायक पर नहीं है, इन दो पंक्तियों का ये अर्थ है। बाकी चर्चा अपन अब कल करेंगे।